स्वागत है जी आप सबका चिटोरा पॉइंट के एक और नई वीडियो भाई में। आज हम आए ट्रिपल एस व्हीकल्स को कवर करने के लिए फरीदाबाद सेक्टर 35। और भाई यहाँ पे जो है ना हम इनका एक 299 रुपीस का कॉम्बो है उसको कवर करने के लिए आए हैं। भाई इससे स्मॉल कॉम्बो भी अवेलेबल है, इससे छोटा भी है। हाँ। बढ़िया है भाई, तो अंदर चलते हैं भाई, आपको मेकिंग दिखाएंगे, टेस्ट करेंगे और अपना एक्सपीरियंस जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो भाई दोस्तों मैं हूँ जी मधु जी के साथ में, जो यहाँ की मैनेजर हैं। और मैम आप बताइए कि कौन कौन से ऑफर चल रहे हैं इस वक्त। सर हमारे पास अभी दो कॉम्बो ऑफर चल रहे हैं, जिसमें एक हमारा 149 का है जी। 149 में हम 3 आइटम्स दे रहे हैं अभी, एंड 299 का है जिसमें हम 5 आइटम दे रहे हैं कस्टमर। ठीक है, तो भाई एक बार जो है ना हम चलते हैं अंदर किचन में, आपको किचन दिखाते हैं, थोड़ी बहुत मेकिंग दिखाएंगे और कॉम्बो जो हमारे रेडी हो जाएंगे ना तब आपको दिखाएंगे कि आपको इन कॉम्बोज के अंदर में मिलने क्या वाला है। सबसे पहले चलते हैं और मेकिंग देखते हैं। तो भाई अंदर चलते हैं जी, आपको किचन टूर देते हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता दूं भाई कि ऑल आइटम्स जो है ना यहाँ पे प्योर वेज है भाई, नॉन वेज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। आ जाओ जी, जी मेरे साथ है सर हिमांशु जी। जी यहाँ के हेड शेफ है भाई, किचन का जो है ना पूरा का पूरा भार इन्होंने अपने कंधों पर ले रखा है। सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करो जरा किचन के बारे में। ये जो हमारा डिपार्टमेंट है यहाँ पे पेस्ट्रीज मेड होती है, ठीक है, केक्स यहीं पे मेड होते हैं हमारे। ठीक है जी, आगे आ जाओ। और सर ये ओवन है हमारा जहाँ पे स्पंज बेक होता है। भाई दो लगे हुए हैं सर, है जी, बहुत बढ़िया सर। और जो स्पंज हमारे केक के हैं वो इस प्रकार हम लोग बेक करते हैं। ये क्या बात है जी, बहुत बढ़िया यार। और ऊपर जो सर वो भी हो रही है जी, ये पफ है हमारे पोटैटो पफ। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और इस तरफ सर आ जाओ। सर ये हमारे पिज्जा के फ्रेश दो लगे हुए हैं जी, जिससे हम थिन क्रस्ट पिज्जा बनाते हैं। पिज्जा पास्ता वगैरह सारी चीजें जो हैं सैंडविच वो यहाँ पर आप बेक करते हैं जी। ठीक वो है, यहाँ पे हम मेड करते हैं। ठीक है जी, और ये हमारे थिन क्रस्ट पिज्जा है। ठीक है, और ये भी आपका अपना ही रेडी किया हुआ है। बिल्कुल सर जी। ठीक है जी, तो सर सबसे पहले जो है ना पिज्जा ही रेडी करते हैं जी। हाँ जी सर, सबसे पहले हम कौन सा पिज्जा रेडी कर रहे हैं? सर हम बना रहे वेज एक्स्ट्रावेगेंजा पिज्जा। सबसे पहले जी हमारा ये 9 इंच का बेस है जी, और इसके ऊपर आ गए जी ये पिज्जा सॉस। और कलर थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है इनकी सॉस। बिल्कुल, ये इनका पंकज खुद की जो है ना तैयार करी हुई है। इस पे हमारी जाएगी मोजरेला चीज, ये अमूल मोजरेला चीज है हमारी। ठीक है जी, ठीक है। इस पे हम ढेर सारी चीज डालेंगे। क्या बात है भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया सर। सर एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेकिंग जो है ना एग्जैक्ट वही दिखाना जो आप रेगुलर कस्टमर को देते हो सर। ठीक है जी, बिल्कुल। ठीक है जी, जी सर, ओके। ये हमारी वेजिटेबल्स होगी। ठीक है, ये बेल पेपर्स वगैरह आ गई, कैप्सिकम वगैरह, बहुत बढ़िया भाई। ये हम इसमें कुछ अनियंस आ गए, अ लिटिल चीज हम और टॉपिंग करेंगे जिससे हमारा चीज ये और यमी आए। ठीक है जी, रेडी है सर ये जी। अब हम इसको डाल देंगे ओवन में। ओवन में जी बेक होने के लिए। ओवन है हमारा, अब इसमें पिज्जा हमारा। कितनी देर के लिए बेक होगा सर? सर नेक्स्ट हम क्या बना रहे जी? जी हम बना रहे पास्ता। ठीक है सर, रेडी कर। पास्ता हम मिक्स सॉस में रेडी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें ऑलिव ऑयल देंगे यहाँ पे। ठीक है जी, गार्लिक ऐड कर दिया हमने। ठीक है, इसको लिटरली सौते किया हमने जी। देन वेजिटेबल्स हो गया हमारी, इंग्लिश वेजिटेबल्स। ठीक है सर, ये ऐड करा। सर आपका एक्सपीरियंस कितना है सर काम करने के तरीके से? लग रहा है कुछ अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपको जी। रेडिसन, सरोवर पोर्टिको, काफी 5-स्टार होटल्स में करके। बहुत बढ़िया यार जी। तो वेजेस भाई हमारी हो रही है जी, सोते हैं अब, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या करते हैं। ये आ गए जी, अब इसमें हम डालेंगे रेड सॉस। ठीक है जी, ये देखिए जी, ये हमारी रेड सॉस है, ये भी हमारी यहीं बनी हुई है। ठीक है जी, जी क्या बात है यार, बहुत बढ़िया भाई। अब हम इसमें डालेंगे पास्ता। ठीक है जी, अब हम इसमें सीजनिंग करेंगे अपने हर्ब्स की। ठीक है जी, पहले सॉल्ट हो गया। ठीक है, चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगेनो मिक्स। बहुत जबरदस्त कलरफुल लग रहा है पंकज, है ना? अब हम इसे ऐड करेंगे क्रीम। ठीक है जी, ढेर सारी क्रीम, एकदम लुक जो है ना पूरी चेंज हो गई है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार। भाई लुक तो बहुत कमाल की लग रही है, एकदम बढ़िया, एकदम जूसी पास्ता बना है सुमित, बहुत बढ़िया भाई। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज शानवी एंड मेरे SSS बेकर्स में अराउंड ये 4th टाइम है। मुझे यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली डेजर्ट्स। यहाँ के मेरे फेवरेट डोनट्स हैं, मुझे डोनट्स बहुत अच्छे लगते हैं, मैं ऑनलाइन भी यहीं से ऑर्डर करती हूँ। और आज मैं यहाँ पे आके ट्रफल पेस्ट्री ऑर्डर करी और इतनी अच्छी है ये कि मैं खुद धीरे धीरे आराम आराम से खा रही हूँ, ताकि इसका मुझे और अच्छा मज़ा आ गया। मैं भी और ऑर्डर करूँगी क्योंकि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है।
ठीक है जी, थैंक यू जी। तो भाई दोस्तों यार हमारा टेबल हो गया जी रेडी। सबसे पहले जो है ना भाई आपके साथ कॉम्बो क्लियर कर देते हैं यार। तो भाई सबसे पहले यार आपको जो है ना 149 रुपीज़ वाला कॉम्बो दिखा देते हैं भाई। इसमें आपको तीन आइटम मिलने वाले हैं। हमने लिया है जी एक तो पिज्जा ले लिया 6 इंच का, नाम है जी फ्रेश गार्डन पिज्जा। इसमें ऑप्शंस हैं आपके पास पनीर वगैरह तो उनसे पूछ लेना भाई, 3-4 तरीके के ऑप्शन हैं। साथ में हमने लिया है जी ये बर्गर, और आप बर्गर देखो यार क्या जबरदस्त है। पैटी देख लो भाई, पैटी का साइज काफी अच्छा है, अंदर लेटस वगैरह है, अनियन है, टमाटो है, काफी अच्छा लग रहा है। मतलब साइज देखोगे ना आप तो आपको भाई काफी अच्छा साइज है। और साथ में एक मिलेगी जी आपको कोक 250 ml कोक, बिल्कुल 149 में भाई ये तीन चीजें हैं, बहुत बढ़िया कॉम्बो लग रहा है। और भाई दोस्तों ये है जी हमारा 299 रुपीस का कॉम्बो, जिसके अंदर आपको 5 आइटम्स मिलने वाली है, 1, 2, 3, 4 और ये 5। और भाई काफी अच्छा कॉम्बो लग रहा है। इसमें सबसे पहले आ जाओ भाई, पिज्जा है जी 9 inches का, 9 inches का पिज्जा है भाई। और ये भी है भाई हमारा थिन क्रस्ट, और यार मैंने आपको जब दिखाया था ना वो जब बाहर से घर, अच्छा चीजी पिज्जा है, बिल्कुल काफी अच्छा चीज था भाई। अब तो यार थोड़ा सा ठंडा हो गया। बाकी वेजेस वगैरह देख लो यार, काफी अच्छी डली हुई है, बिल्कुल लुक जो है ना इसकी बहुत शानदार लग रही है। और चीज भी काफी अच्छा खुला डाल रखा है भाई। और ये है जी हमारा मिक्स सॉस पास्ता, और इसकी मेकिंग देखिए भाई बड़ी जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त मेकिंग थी यार। क्या इसके अंदर भाई साहब ब्रोकली वगैरह, बिल्कुल ब्लैक ऑलिव्स डले हुए है, वेजेस वगैरह काफी अच्छी डली हुई थी। और इसकी पंकज खुशबू भी जो है ना यार, और एकदम जूसी है, काफी अच्छी आ रही है भाई, बहुत अच्छा जूसी है वाकई में, बढ़िया भाई। इसके बाद आ जाओ जी हमारे सैंडविच के ऊपर, और ये भाई ग्रिल देख रहे हैं कितना अच्छा हो रखा है पंकज, है ना। और वेजेस देख लो यार आप इसके अंदर भाई, स्टफिंग हो रखी है, बहुत अच्छी स्टफिंग है भाई। और क्या रह गया हमारा, अच्छा ये रह गया भाई हमारे फ्रेंच फ्राइज, ये जी एक पोर्शन इसमें फ्रेंच फ्राइज आएंगे। और ये भी भाई क्वांटिटी काफी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, ये भी मेरे को काफी ठीक लग रहा है। साथ में हमें बोला ये 300 ml है मेरे ख्याल से, है ना जी। तो ये है जो हमने लिया है इसमें स्ट्रॉबेरी शेक, और शेक में भी वैरायटीज है, काफी सारे ऑप्शन है, आप जोन से अपनी पसंद का लेना चाहते हो ले सकते हो। अब इनको ये टेस्ट करते हैं यार, भयंकर वाली भूख लग रही है भाई, सब कुछ ठंडा हो चुका है, वो तो हमारा रोज जी काम है ठंडा। बिल्कुल यार क्या करे भाई, ब्लॉगर लाइफ जो है ना भाई वो यही है। लेकिन सबसे पहले भाई हम जो है ना ये इनका ये जो है वेज पिज्जा थिन क्रस्ट, बिल्कुल इसको टेस्ट करते हैं ये करें। देखो एक सवाल जो है ना यहाँ पे ये उठता है, कई बार लोग कहते हैं कि भाई आपको ठंडे में कैसा मजा आ जाता है। अगर जो चीज ठंडे में अच्छी है ना, बिल्कुल तो गर्मा गर्म में डबल स्वाद आएगा, बिल्कुल हम चाहे ना तो इसको हल्का सा गर्म करवा भी सकते हैं, लेकिन हमें पता है अगर इसके अंदर टेस्ट आ रहा है तो समझ लो गर्म गर्म जब आप खाओगे ना, क्योंकि आपको तो वीडियो शूट करनी नहीं है भाई, आपको तो मिलेगा गर्मा गर्म और मजेदार टेस्ट है। मैं आपको मजा आ गया ना, बड़ा कमाल का, बिल्कुल जो बेस के ऊपर जो सॉस लगाई है वाकई में डिफरेंट है यार, मजा आ गया। खुला डाला है, बेस काफी अच्छा है, थिन है, काफी टेस्टी है। अच्छा एक चीज तूने नोट करी है, जितना बेस है ना उसके ऊपर उतनी ही लेयर चीज की है, उतनी ही लेयर चीज की है भाई, मजा आ गया। भाई अब आ रहे हैं जी बर्गर टेस्ट करने की, इसका नाम है जी वेज बर्गर, वेज बर्गर। भाई आप लेयर्स देख लो यार क्या शानदार है, और पैटी भी देख लो अंकल काफी अच्छी लग रही है, मटन और मटर वगैरह दिख रहा है, काफी अच्छा है भाई। करें भी टेस्ट, चलो जी। मेयो वगैरह जो लगी है काफी अच्छी खुली लगी हुई है, और एकदम जूसी बर्गर है। और इसके नीचे ना पंकज जो बेस में जो चटनी लगाई है ना वो बहुत डिफरेंट है भाई, उसके अंदर गार्लिक का जो फ्लेवर आ रहा ना वो बहुत अच्छा आ रहा है ना, वो पिज्जा वाली जो सॉस है ना आई थिंक वही उस पर वही लगा दिया, मजा आ गया यार। और जो इनका कॉम्बो है भाई साथ में ये आपको सॉफ्ट ड्रिंक इसमें मिलेगी ही मिलेगी यार। और भाई शेयरिंग अलाउड है, ये नहीं है कि ये सिंगल पर्सन के लिए, आप दो जने आ रहे हो या कुछ है फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो इस कॉम्बो, बिल्कुल यार चाहे वो 149 वाला कॉम्बो हो और चाहे 299 वाला कॉम्बो, शेयरिंग अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है जी। और भाई अब बारी है जी हमारा 299 रुपीज वाला जो कॉम्बो है ना उसमें 5 चीजें, आपको मैं सारा कुछ बता चुका हूँ। सबसे पहले हम टेस्ट करने लगे हैं जी पिज्जा, और ये मिलेगा आपको 9 inches का, और फ्लेवर बिल्कुल सेम है, बस बेस में साइज का डिफरेंस आ गया, बिल्कुल ही टेस्ट करें यार। अच्छा इसका टेस्ट तो वैसे सेम ही होगा, और इसमें भी यार पंगा तू देख, लेयर काफी अच्छी है चीज की, बिल्कुल टेस्ट में कोई कमी नहीं है भाई, टेस्ट में कोई कमी नहीं है, थिन लेयर है, और चीज की जो लेयर है ना प्रॉपर बेस के साइज की है, सेटिंग अरेंजमेंट काफी अच्छी है, 20-25 लोग आराम से यहाँ आ सकते हो, बर्थडे पार्टी वगैरह भी अगर आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइज करनी ना आप वो भी कर लो, आपको मजा आ जाएगा। और केक वगैरह जो है ना बिल्कुल सामने फ्रेश जो है ना भाई वो प्रिपेयर हो रहे हैं यार, बहुत बढ़िया भाई। ट्राई करते हैं जी इनका मिक्स सॉस पास्ता,
और इनकी सॉस भी जो है ना पंकज, वो इनकी खुद की तैयार करी हुई है भाई, जो रेड वाली है ना। करें बिल्कुल डिफरेंट है, जिस तरीके का आप मिक्स सॉस पास्ता खाते हो ना बाहर, वैसा नहीं है, बहुत अलग है और अच्छा है, जूसी है और मसाले जो है ना काफी माइल्ड है, बहुत ज्यादा स्पाइसी वगैरह नहीं है। अगर आप चाहो तो बोल सकते हो मेरे ख्याल से, है ना, इंक्रीज हो जाएगी तो स्पाइसी हो जाएगा। वेजेस वगैरह जो सौते करिए ना वो इतनी ज्यादा नहीं करी है, उनका क्रंच जो है ना वो बहुत अच्छा आ रहा है यार। बिल्कुल भाई, 149 रुपीज वाले कॉम्बो में ना आपके साथ एक चीज शेयर करना भूल गए भाई, जो 149 का जो कॉम्बो है पंकज, उसमें एक पिज्जा है, बर्गर है, कोक है, और बर्गर में ऑप्शन, अगर बर्गर लेना चाहो बर्गर ले सकते हो, सैंडविच लेना चाहते हो सैंडविच ले सकते हो, पोर्शन साइज बिल्कुल सेम मिलेगा, मगर एग्जैक्ट आपको जो है ना यही साइज मिलेगा। आप बर्गर लेना चाहो बर्गर ले लो, या ये सैंडविच लेना चाहो सैंडविच ले सकते हो, मिलेगा सैंडविच, वेज सैंडविच बिल्कुल, मतलब वेज ही है, उसमें पनीर वगैरह नहीं, पनीर वगैरह नहीं होगा, वेजेस वगैरह बिल्कुल काफी अच्छा ऐसे ही भरा हुआ मिलेगा आपको। और अब बारी भी भाई इसी की ही है, और काफी अच्छा जो है ना, और एकदम बढ़िया प्रॉपर जो ग्रिल हो रखा है, काफी क्रिस्पी है बाहर से, बहुत अच्छा लग रहा है यार, और अंदर वेजेस आपको दिखाई थी भाई, टॉप लेवल की है। करे टेस्ट पंकज, अच्छा बाहर से जितना क्रिस्पी है अंदर से उतना ज्यादा जूसी वगैरह बना हुआ है भाई। सैंडविच की यार मैं आपको सही बताऊं भाई साहब, जितनी भी तारीफ करवा रहा हूं, कमाल का टेस्ट है, बहुत ही कमाल का है। मुझे दो चीजें जो है ना, मतलब हालांकि मैं पिज्जा लवर हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है पिज्जा, जैसा मर्जी खिला लो, लेकिन एक जो दो चीजों ने ना मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया है, एक तो ये मिक्स सॉस पास्ता बहुत डिफरेंट है, जैसा आप जो डोमिनोज वगैरह में या पिज्जा हट में खाते हो ना, उससे काफी काफी अलग है और खाने में बहुत मजेदार है भाई। और दूसरा यार ये भाई सैंडविच, यार सैंडविच कमाल का, बहुत कमाल कमी का, पिज्जा में भी नहीं है, क्योंकि पिज्जा के अंदर जो चीज वगैरह डाला हो ना, काफी अच्छा फ्लेवर वगैरह बढ़िया आ रहा है। बिल्कुल यार भाई, फ्रेंच फ्राइज भी जो है ना काफी अच्छा पोर्शन साइज दिया हुआ है, हम ऑलरेडी इसमें से जो है ना दो चार पीस खा चुके हैं, ज्यादा ही खा चुके हैं, मैं तो काफी सारे पीस खा चुका हूँ भाई। और साथ में हमारा ये रह गया जी शेक, और इसमें हमारे पास स्ट्रॉबेरी शेक है, चार पांच ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपनी चॉइस, मेरे ख्याल से ज्यादा है, तकरीबन 10 के करीब ऑप्शन है, तो आप जोन सा आप चाहो ना, जो आपको पसंद हो आप वो वाला फ्लेवर भाई ले सकते हो। और ये जो ऑफर है ये सिर्फ डाइन इन में अप्लीकेबल है, टेक अवे और ऑनलाइन ऑर्डर में नहीं है, बाकी ये ऑनलाइन में भी है भाई, स्विगी जोमेटो में आप इनको सर्च करोगे ना SSS बेकरी के नाम से तो आपको मिल जाएंगे, और काफी बड़ा मेन्यू, मतलब हमने तो सिर्फ ऑफर एप्लीकेबल यहाँ पे दिखाई है, बिल्कुल इसके अलावा काफी ऑप्शन, काफी सारे ऑप्शन है भाई। और बाकी यार यहाँ का जो है ना गूगल मैप, मोबाइल नंबर, लोकेशन वगैरह सब कुछ जो है ना आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। शेक कैसा लगा यार, ये तो कमाल का भाई, बहुत बढ़िया, टेस्ट करवा दे यार, काफी अच्छा है, बहुत बढ़िया भाई। बाकी यहाँ की जो है ना दोस्तों आपको टाइमिंग भी बता देते हैं भाई, टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, और ये कॉम्बो जो है ना भाई, दोनों के दोनों जो है ना भाई मुझे बहुत कमाल के लगे, बड़ा कमाल का टेस्ट है, मतलब एक बार ट्राई करके देखो फिर पता चला भाई। 299 में ना आप जो दो दोस्त आओगे ना या फैमिली मेंबर्स आओगे तो भाई अच्छे से पेट भर के जाओगे, बड़े मजेदार यार, मजा आ जाएगा आपको। बाकी इस वीडियो को दोस्तों यही पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।